प्रधानमंत्री कार्यालय में किए गए शिकायत पर बिलासपुर वन अमले ने अवैध कब्जा कर कार्रवाई की। दरअसल मामला वन विभाग से जुड़े हुए फदहा खार का है, जहां पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर निर्माण को लेकर वन विभाग ने कार्रवाई की। वहीं डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि फदहा खार रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के लखन यादव छप्पन के द्वारा एक कच्चा मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत मुकेश जागड़े ने प्रधानमंत्री कार्यालय, जिला कलेक्टर और वन मंडल अधिकारी से की, जिसमें लखन यादव को वन विभाग ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की बात कही, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद वन परिषद अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को जेसीबी से धराशायी कर दिया। क्षेत्र जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके बीच से एक सड़क क्रॉस करती है। एक हिस्से में जो है जो नॉर्थ की तरफ है, उसमें हम लोगों के द्वारा जो है वन विकास अभिकरण, FDA बोलते हैं उसको, वहाँ पर प्रोजेक्ट बना के भेज दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वहाँ से अभी तक कोई किसी प्रकार की स्वीकृति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। जो दूसरा पोर्सन है जो दक्षिण दिशा में है, वहाँ पर भी जो है फेंसिंग का कार्य अभी जो है प्रारंभ कर दिया गया है, क्योंकि उक्त क्षेत्र जो है बहुत बहुत संवेदनशील है अतिक्रमण को लेकर। तो सबसे पहले उसमें फेंसिंग का हम लोगों को राज्य सरकार से एक राशि आई है, पहले इसको फेंसिंग करके आप सुरक्षित कीजिए। और वहाँ पे भी एक जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है दक्षिण दिशा में, वो बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए भी हम लोग के द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसमें कुछ आपत्ति लग के।